मेट्रो स्टेशन पे है, तो इन केस अगर आप मेरे जैसे पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं तो आप जो मैप है वो रेफर कर सकते हैं। तो मेट्रो की कुछ इस तरीके से कॉइन आपको मिलेगी एज अ टिकट। This is Padmini and you're watching our channel The Zingaat Girl. आई एम योर एट लाल किला। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं दिल्ली में हूँ अभी 2-3 दिन, तो आई थॉट कि क्यों ना आज लाल किला एक्सप्लोर किया जाए। तो मैं हूँ यहाँ पे एंड लेट्स सी हाउ इट इज़ एंड पहली बार आई हूँ तो देखते हैं कैसा लगता है। काफ़ी प्यारा दिख रहा है वैसे, अगर आप देख सको इट्स लुकिंग अमेजिंग, फुल रेड एम रेड है। सो गाइज अबाउट टिकट्स, 80 रुपीज़ का टिकट्स है विथ म्यूज़ियम। तो टिकट के लिए बहुत बड़ी लाइन है, लाइन बड़ी इसलिए है और ज़्यादा टाइम इसलिए रुकना पड़ा बिकॉज ऑलमोस्ट एक जन को 5 मिनट मिनिमम वो ले रही है एंड दैट इज़ बिकॉज मैडम बैठ के आराम से अपना डब्बा खोल के खा रही थी। आई गेस इन लोग को लंच का टाइमिंग तो दिया ही जाता होगा, तो वो नहीं करके अगर वो थोड़ी सी क्विक होती तो इतनी बड़ी लाइन नहीं होती। तो नेवर माइंड, ठीक है। यहाँ से एंट्रेंस है, ये आपको टिकट दिखानी रहती है वहाँ पे एंड देन हमें जाना है इस तरफ। लाल किला जो है वो दिल्ली के एकदम बीचों बीच में आता है, सो दिस इज़ इन टू दी ओल्ड दिल्ली। चलिए वहाँ चलते हैं। सो रेड फोर्ट, आई गेस इट्स ए मॉन्यूमेंट राइट, बट यहाँ की मार्केट जो यानी कि रेड फोर्ट के अंदर जो मार्केट है उसको देख के लगता नहीं है कि इट्स ए मॉन्यूमेंट ना, पूरी तरीके से मार्केट से लदा हुआ है। सारी चीज़ें वैसे आप लोगों को मिल जाएगी बट आई गेस कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो आई वुड से कि रेडफोर्ट में आके शॉपिंग करो, इससे अच्छा आप बाहर दिल्ली में बहुत सारे हैं बाज़ार, वहाँ से आप शॉप कर सकते हैं। सो गाइज अभी जस्ट एक चीज़ याद आई, ये जो जो रेडफोर्ट बनाया गया है ये बनाया गया है शाहजहाँ ने। कहा ये जाता है कि ये पहले मुगल्स लोग यहाँ पर रह चुके हैं 200 ईयर्स एंड देन ऑब्वियसली ब्रिटिश लोगों ने हड़प लिया था एंड एट दी एंड सब झगड़ा झुगड़ी ख़त्म होने के बाद में वो वापस हमारे पास आ गया। इसी तरीके के कुछ 12 महल हैं यहाँ पे, तो सेम तरीके के महल है, कुछ अलग नहीं है, कुछ वाइट कलर में है, कुछ रेड कलर में है, थोड़ा तरीका बनाने का जो है वो अलग है, बट इसी तरीके के कुछ महल आपको 12 महल यहाँ पर मिल जाएंगे। सो गाइस क्या आप लोगों को पता है कि इसे रेड फोर्ट क्यों कहा जाता है और इसको रेड में क्यों बनाया गया है? ये बेसिकली बनाया गया है शाहजहाँ ने, तो उनके फेवरेट 2 कलर्स है, एक वाइट और एक रेड, तो ऑब्वियसली वाइट में उन्होंने ताजमहल बना दिया और रेड में रेड फोर्ट बना दिया। सो गाइस आई एंड दिस व्लॉग हियर, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन ईट गुड, स्टे फिट, स्प्रेड लव, स्प्रेड पीस। बाय बाय।
फैन हूँ बेबी तेरा, लगा हूँ पीछे तुम चल की तरह, चाहे कितना भी डांट छोड़े ना साथ बने।